चुनावी साल में प्याज की बढ़ती कीमतों ने शीला दीक्षित की नींद उड़ा दी है। दिल्ली सरकार अब 70 विधानसभा क्षेत्रों में 50 रुपए में प्याज बेच रही है। मोदी पर शिवसेना ने निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने सामने में कहा कि मोदी जिस तरह के बयान देते हैं उसे ऐसा लगता है कि उनके सत्ता में आते ही सब ठीक हो जाएगा। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था और आर्थिक मंदी की आहट पर पीएम ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। पीएम ने कहा है कि देश में अभी 1991 जैसे हालात नहीं है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में पुंछ में पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार रात फिर से फायरिंग की। भारतीय सैनिकों ने भी करारा जवाब दिया। INS सिंधु रक्षक के 5 नौसैनिकों की मौत जलने और डूबने से हुई, शवों की जांच में इसकी पुष्टि हुई है। दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में भी मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। लखनऊ में मेट्रो ट्रेन के मॉडल को पेश किया गया है। हालांकि प्रोजेक्ट शुरू होने में अभी वक्त लगेगा। कोलकाता में मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2 छात्रों ने रैगिंग से परेशान होकर अपना एडमिशन वापस ले लिया। छात्रों से निदेशक पर सीनियर्स को बचाने का आरोप लगाया है। हरियाणा के नरवाना में 8 अगस्त को घर के पास से गायब हुए 4 बच्चों का कातिल उनका पिता ही निकला। वारदात की वजह अवैध संबंध बताई जा रही है। अलीगढ़ के रिहायशी इलाके में एक केमिकल से भरे एक ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के ऊना में श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक स्कूल बस को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। बस खाई में गिर गई। 16 बच्चे जख्मी हो गए। 7 को गंभीर चोटें आईं। मुरादाबाद में बदमाशों ने बेस्ती के नगर अध्यक्ष चंदन सिंह को गोली मार दी। उनकी हालत फिलहाल गंभीर है। कानपुर में एक चोर की भीड़ ने जबरदस्त पिटाई कर दी। चलती ऑटो में आदमी एक महिला के बैग में रखा सामान निकाल रहा था, तभी महिला ने इसे पकड़ लिया। बिहार के औरंगाबाद में छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले एक मंचले को गुस्साई भीड़ ने जमकर पीटा। गुस्साए लोगों ने मंचले की एक आंख फोड़ डाली। फरीदाबाद में 3.5 साल की एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोपी रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना से नाराज परिजनों ने प्ले स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। गुड़गांव पुलिस ने लुटेरों के एक बड़े गिरोह के पास से 13 बाइक, 4 ट्रैक्टर, 6 गाड़ियां और पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गुड़गांव के सिविल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के चलते करीब 8 घंटे बिजली सेवा ठप रही, जिससे मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। करीब दर्जन बार मरीजों को सफदरजंग अस्पताल रेफर करना पड़ा। राजस्थान के बारा में एक पुलिस वाले का हैरान करने वाला अंदाज दिखा। स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में इस इंस्पेक्टर ने पहले जमकर डांस किया, फिर अपनी सर्विस रिवॉल्वर हवा में लहराई। महाराष्ट्र पुलिस में किशोर डांगे नाम का एक ऐसा कांस्टेबल है जिसकी फिजिक देखकर अच्छे अच्छों की हवा गुम हो जाती है। किशोर द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। कपिल देव के कोच देशप्रेम आजाद का चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार कर दिया गया। 75 साल के डीपी आजाद का मोहाली में एक अस्पताल में शुक्रवार को निधन हुआ था। मोहम्मद अजहरुद्दीन जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम का कोच बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने यह पद पेशकश की।